जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। देखो सामने खड़ी है नई नवेली फेसलिफ्ट नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन, ठीक है। इसका जो वेरिएंट है सामने फियरलेस एस वेरिएंट है। दोस्तों एक चीज और है, इसमें कई सारे वेरिएंट आ गए हैं नेक्सॉन में, ऑलमोस्ट 69 वेरिएंट आते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत तगड़ा है। तो आपको बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगी, लेकिन जहां थोड़ा बहुत बदलाव होता है ना, तो मैं उस वेरिएंट की वीडियो जो है ना बना देता हूं अलग से। अब यहां पर देखो, ये जो है ना फियरलेस एस वेरिएंट है, लेकिन डुअल टोन के साथ में, ठीक है। तो यहां पर जो छत है इसकी वो ब्लैक मिल जाती है, और बाकी जो बॉडी लाइन है वो आपको फ्लेम रेड कलर बोला है कंपनी ने इसे, तो फ्लेम रेड कलर के नाम से मिल जाती है। अब देखेंगे दोस्तों कि इस वेरिएंट में अंदर क्या क्या मिलेगा, अंदर भी कोई बदलाव हुआ है या नहीं। सबसे पहले कीमत देख लो तो एक्स शोरूम 12,99,900 की मिलती है, मतलब आप 13 लाख रुपए मान सकते हो। उसके बाद इंजन वगैरह की बात करें तो सेम वही इंजन मिल रहा है जो सब में मिल रहा है, 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन मिलता है 3 सिलेंडर के साथ में, 88.2 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर माइलेज की बात करें तो 17 किलोमीटर पर लीटर का जो है माइलेज कंपनी क्लेम करती है। लेंथ वगैरह डायमेंशंस की बात नहीं करेंगे, नीचे आपको जो है ना वीडियो में दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो वो सब ऐसी मिलेंगी आपको, आप वहीं से देख सकते हो। तो अब बात करेंगे कि इसके फ्रंट में, मतलब साइड में, फ्रंट में और बाहर की तरफ क्या कुछ मिलेगा। उसके बाद अंदर की तरफ इंटीरियर देखेंगे, इंटीरियर में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो देखो सबसे पहले फ्रंट में आ जाते हैं। एक काम करता हूं, मैं इसकी जो है ना हिजार्ड ऑन कर देता हूं, जिससे क्या है आपको गाड़ी देखने में भी अच्छी होगी। देखो यहां से होगी टच पैनल से, और यहां पर देखो कुछ ऐसी मिलेगी अब हिजार्ड आपको। ये देखो दोस्तों सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिल रहे हैं आपको, ये देखा कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे सीक्वेंशियल इंडिकेटर। और यहीं पर आपको एलईडी बेस्ड डीआरएल भी मिलेंगे, और ये पियानो ब्लैक फिनिश में पूरी ग्रिल मिलती है। अब देखो इस वेरिएंट में जो है फियरलेस एस वेरिएंट में 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है, तो देखो यहां पर आपको ये कैमरा दिख जाएगा। उसके बाद ग्रिल का जो सेटअप है वो देख लो। उसके बाद फ्रंट में दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहां पर देखें तो प्रोजेक्टर बेस्ड आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, और यहां पर फॉग लाइट जो है ये भी प्रोजेक्टर बेस्ड मिल जाती है कुछ इस तरीके से। एयर वेंट मिल जाएंगे यहां पर देखने के लिए, देखो ये दिख रहे हैं एयर वेंट, उस तरफ क्लियरली दिख रहा होगा। और नीचे की जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में मिल जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों इसका फ्रंट प्रोफाइल। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो देखो ये यहाँ पर व्हील आर्चेस देखो, ये थोड़े से बड़े बड़े से मिलेंगे, चौड़े चौड़े से। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाए ना, तो ये इन स्पोक्स व्हील को कहा है, या एलॉय व्हील को कहा है, एरो इंसर्ट एलॉय व्हील। इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें जो है ना ये जो ये टेक्सचर देख रहे हो, ये डिजाइनिंग, ये यही डिजाइनिंग आपको यहाँ पर मिलेगी टेल लाइट पर। कंपनी ने जो है ना मैच कर दिया ऑलमोस्ट इधर से उधर के लिए, ठीक है। 215/60 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का ये आपको टायर साइज मिल जाता है। अगर यहाँ पर साइड प्रोफाइल में देखें तो देखो ORVM आपको बड़ा सा मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश में, और इसी के ऊपर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी दिख जाएगा। उसके बाद देखो बॉडी ग्लाइडिंग, देखो ऐसी आपको बॉडी ग्लाइडिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखें तो देखो डोर रोक सेंसिंग का ऑप्शन मिलता है। ये वाली जो पट्टी है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी। पहले क्या होता था ओल्ड मॉडल में ये है ना व्हाइट कलर में आती थी, लेकिन अब पियानो ब्लैक में मिलती है। ऊपर की तरफ देखें तो देखो रूफ रेल मिल जाएंगी सिल्वर फिनिश के साथ में, साथ में पीछे की तरफ जो है शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, टाटा का ये लोगो वोगो तो मिल ही जाता है। यहाँ पर पीछे की तरफ देखें तो देखो टेल लाइट के अंदर भी आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर ही मिलेंगे, ठीक है। और इस वेरिएंट में आपको वेलकम और गुड बाय लाइट का भी फीचर मिल जाता है। उसके बाद देखो टेल लैंप, कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाती है। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप, टाटा का लोगो, उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा नेक्सॉन लिखा हुआ मिल जाएगा, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और यहाँ पर व्हाइट लाइट और कुछ ऐसे ये लाइट ब्रेक लाइट वगैरह मिल जाती है। रियर स्पॉइलर बड़ा सा मिलता है, डिफोगर भी मिलता है। रियर वाइपर की बात करूं तो वो अंदर की तरफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। उसके बाद यहीं पर आपको वॉशर भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब चलेंगे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो देखो डोर से शुरू करते हैं सबसे पहले, तो डोर पे देखो कुछ इस तरीके की आपको फिनिश मिलेगी। ये जो कलर है ना टोन, ये लेदर टोन है, ठीक है, लेदर टच मिल रहा है आपको यहाँ पर, ये कुशनिंग है लेदर की। उसके बाद चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, ड्राइवर साइड जो है वन टच डाउन मिल जाती है, पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए ये बटन मिल जाता है। ये डोर हैंडल्स क्रोम में मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर भी ये पियानो का टच मिल जाता है, ये देख रहे हो मैं हटा नहीं रहा, ये दोस्तों गाड़ी डिलीवरी के लिए है। उसके बाद देखो बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। स्पीकर की बात करूं तो देखो सभी डोर्स में भी स्पीकर मिल रहे हैं, साथ में ट्विटर भी मिल रहा है, सबवूफर भी मिल रहा है, और बाकी जो है डिटेल नीचे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मिल जाता है। और एक चीज और दोस्तों, देखिए लेदरेट सीट देखने के लिए मिलेंगी आपको इस वेरिएंट में, ठीक है। और देखो वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये दोनों चीज जो है इस वेरिएंट में इंक्लूड हो जाती हैं। दोनों ही सीटों में देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, इवन पीछे भी आपको एडजस्टेबल ही मिलेगा। अंदर बैठ के देखते हैं अब बैठ के क्या कुछ मिलेगा। तो देखो सबसे पहले अंदर की तरफ आ जाए, इसे कर लेता हूं मैं बंद।
तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले चाबी देख लो। चाबी तो देखो आपको ऐसी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन, बूट ओपन करने के और फॉलो मी हेडलैम्प के बटन मिल जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील ऐसा मिल रहा है दोस्तों, टू स्पोक वाला और लेदर इट मिल रहा है, इस पर लेदर रैप्ड है। उसके बाद देखो यहीं पर टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाएंगे और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिल जाता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं कैसा मिलेगा, ठीक है। तो इग्निशन ऑन करता हूं मैं, तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर ये फुली डिजिटल मिल रहा है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गजब, बहुत सही, ठीक है। और देखो इलेमिनेटेड लोगो यहाँ पर ब्लिंक करने लग गया, और ये देखो इस तरीके से। अब इस वेरिएंट में जो है ना दोस्तों, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, ठीक है। बाकी सारे फीचर्स इसमें तो मिल ही जाते हैं, एयर क्वालिटी कंट्रोल वगैरह जो चाहो वो मिल जाएगा दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। इसकी वीडियो एक अलग से बना देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको जो है ना एसी वेंट के डिजाइन मिल जाते हैं। उसके बाद ये भी देखो लेदर रैप्ड मिलेगा, यहाँ पर ये प्लास्टिक हो जाता है, हार्ड प्लास्टिक, ये लेदर रैप्ड हो जाता है। यहाँ पर जो है इसे कहते हैं कार्बन फाइबर लुक, ठीक है। उसके बाद देखो ग्लोव बॉक्स देखो बड़ा सा मिलेगा, इसके अंदर देखो बड़ा सा स्पेस है, ठीक है। और कूल्ड का ऑप्शन है, लाइट भी लगी हुई है, ऐसा ग्लोव बॉक्स मिलता है। उसके बाद देखो ये है सेंट्रल कंसोल, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कंट्रोल्स मिल जाएंगे देखने के लिए आपको। देखो यहाँ पे वैसे जो फिजिकल बटन है ना, उनका काम खत्म कर दिया है, बस ये दो बटन छोड़े, एक फैन स्पीड और एक टेम्परेचर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो स्पेस है, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप ए पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है इस वेरियंट में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर इको सिटी और स्पोर्ट मोड के लिए मिल जाता है, यहाँ पर पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर देखें तो देखो कुछ ऐसा सेटअप मिलता है, ठीक है। ये देखो ये है कुछ इस तरीके से, चार्जर वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन इतना ही स्पेस मिलता है, तो ये इस तरीके से मिल जाता है आर्म रेस्ट। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। और एक चीज और दोस्तों, इस वेरिएंट में क्या बेस वेरिएंट से ही अब आपको 6 एयरबैग जो है ना स्टैंडर्ड मिलते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो देखो काला ज्यादा लगता है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो है ना, जो डुअल टोन है अंदर ब्लैक का ज्यादा टच दिया गया है। उसके बाद देखो ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, और यहाँ पर देखो लाइट ऐसी मिल जाती है व्हाइट कलर की कुछ, ठीक है। उसके बाद देखो सनरूफ ये देखो मिल जाती है, छोटी है दोस्तों। उसके बाद देखो यहाँ पर माइक मिल जाता है, और उसके बाद देखो सीट बेल्ट जो पैसेंजर साइड वाली है उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर पैसेंजर साइड में जो देखो ये है सनसेट, उसमें छोटा सा वैनिटी मिरर, और ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट टच के साथ में मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसा आपको सेटअप मिलता है यहाँ पर आगे फ्रंट में। तो अब चलेंगे पीछे, लेकिन यहाँ पर एक बार ये और देख लो, ये रह गया ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलता है। तो पीछे की वाली सीट पर चल के देखते हैं वहां कितना स्पेस मिलेगा। तो करते हैं इसे ओपन, तो देखो पीछे वाला डोर जो देगा इसे देखो, ये पियानो का टच, ये पावर विंडो, और यहाँ पर डोर हैंडल, स्पीकर यहाँ मिल जाता है, और बॉटल होल्डर यहाँ मिल जाता है। और पीछे देखो 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, और यहाँ पर दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पीछे बैठ के बात करें तो देखो दोस्तों, यहाँ इस वेरिएंट में जो है सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, साथ में इसमें 2 कप होल्डर भी है। अब मैं इसे नीचे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो सीट है वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। पीछे एसी वेंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। और पीछे से देखें तो डैशबोर्ड वगैरह ऐसा दिखाई देगा, ये है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड, ठीक है। अब चलेंगे पीछे बूट में, बूट में आपको कितना स्पेस मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं बूट की तरफ। देखो बूट ओपन करने के लिए दोस्तों, अगर चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और चाबी से भी कर सकते हो। तो मैं जो है देखो वॉइस नोटिफिकेशन भी मिलता है दोस्तों इसमें आपको, ठीक है। और टेलगेट को अगर ओपन करना है तो ये देखो 382 लीटर कैपेसिटी बोला है टाटा ने, तो 382 लीटर ही मिलती है। पीछे वाली सीट जो है देखो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है, ये पार्सल ट्रे आपको बड़ी सी यहाँ पर मिली जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है, 3 किलो पेलोड के ये 4 हुक मिल जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा टायर इन्फ्लेटर वगैरह के लिए। और अगर यहाँ अंदर की तरफ देखें और स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको जो मिलता है 195/60 R16, थोड़ा सा छोटा हो गया है साइज में, ठीक है, प्रोफाइल छोटा हो गया है, वैसे तो साइज R16 ही है दोनों का। उसके बाद देखो टेलगेट को भी देखो प्रॉपर कवर किया गया है प्लास्टिक से। उसके बाद देखो यहाँ रियर वाइपर जो दिखा रहा था ना, देखो यहाँ से दिख रहा है क्लियर, और वॉशर देखो ये लगा हुआ, तो रियर वाइपर और वॉशर यहाँ से पीछे की तरफ से दिख जाता है। इसे कर देता हूँ मैं बंद अब, ठीक है।
तो दोस्तों फाइनली ये थी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का फियरलेस एस वेरिएंट। आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।